Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Ting, Assistant Professor, Department of Education, S.S. Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays, I am discussing over various educational thinkers. In which uh, today is the turn of Sabitri Bai Phule. Okay, so let's learn Savitri Bai Phule's views on education. So Savitri Bai Phule. In the social and educational history of India, Mahatma Jyoti Rao Phule and his wife Savitri Bai Phule stand out as an exceptional couple. फिर वही बात कि चूंकि सावित्री बाई फुले जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे सिलेबस में नहीं थी तो इनको ज़्यादा जानते नहीं थे हाँ कभी कभी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या इधर उधर इनकी फ़ोटो देखी थी बस और बहुत थोड़ा सा इनके बारे में पता था लेकिन जब इन लोगों के बारे में पता चलता है तो निश्चित रूप से ऐसी गर्व की अनुभूति होती है और ऐसा फील होता है कि इतने सैकड़ों साल पहले ये लोग कैसे इस तरीके की दूरदृष्टि रखते थे और क्यों हमारा देश जब इसमें इस तरीके की बातचीत करने वाले लोग थे और आगे नहीं निकल पाया ये ज़रूर मेरे दिमाग में आता है खैर जानते हैं बहुत ही अच्छे विचार हैं ये ये पति पत्नी के ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फुले पूरा हमेशा की तरह लिटरेचर यहाँ रखना मुश्किल है बट ज्योति राव के संग जब सावित्री बाई की शादी हुई थी ज्योति राव ने ही इनको पढ़ाया और लिखना पढ़ना सिखाया और क्योंकि उस वक्त तो लड़कियों की शिक्षा की बात नहीं थी और फिर ये उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुई और कंधे से कंधा मिला के इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए काम किया है किस जमाने में ये बात करना जरूरी है क्योंकि आज हम लोग स्त्री शिक्षा की बात करके अपने आप को या गर्ल्स एजुकेशन की बात करके अपने आप को समझते हैं कि वी आर वेरी प्रोग्रेसिव बट एक्चुअली दीज आर दी प्रोग्रेसिव पीपल

दे डेडिकेटेड देयर एंटायर लाइफ फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन ये जानते हुए ये समझते हुए पहचानते हुए कि ज्ञान ही शक्ति है और औरतों की और जो निचली जातियां हैं उनका उनकी उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो शिक्षित ना हो जाएं इन लोगों ने अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगा दिया सावित्रीबाई फुले वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन भारतीय आधुनिक भारतीय शिक्षा की ये आइनियर कहलाए जाएंगी सावित्री बाई फुले हर रोल इन ओपनिंग अप एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर वेमेन इन स्पाइट ऑफ स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम अपर कास्ट एंड रिएक्शनरी फोर्सेस स्टैंड्स आउट एज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ करेज एंड कन्विक्शन देखिए आज भी आप देखिए जब हम लोग अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल मानते हैं प्रोग्रेसिव मानते हैं फ्लेक्सिबल मानते हैं तो भी कोई नई चीज अगर आती है तो उस पर कितना विरोध होता है लेकिन आजकल तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इतनी सारी चीजें हैं कि वो चीजें उतना दब जाती हैं पर उस जमाने में है ना जब लड़कियों की या जब इतना कास्टिज्म था समाज में जब निचली जातियों की शिक्षा की बात की गई होगी जब था कि सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेंगे और शूद्र तो उनका काम निचला तबके का काम करना है वो कैसे पढ़ सकते हैं ये सारी बातों में एक साधारण कपल की ये बातें करना और उसके लिए स्टैंड लेना कितना मुश्किल रहा होगा ये कितने साहस से भरा इनका कदम होगा ये आप विचार कर सकते हैं सावित्री बाई इस ट्रूली अ रोल मॉडल इसीलिए उनको एक सही सच्चे मायनों में वो एक रोल मॉडल थी शी वॉज फर्स्ट इंडियन टू स्पार्क रिवोल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन बाई ओपनिंग इट अप

ये कह रही हैं कब की बातें हैं ना ये तो इस तरह से मतलब कि अब हम लोग बात करते हैं कि हमने कहा हम राइट टू तो एजुकेशन ले आए तो बहुत बड़ा काम किया हमने उस वक्त भी इस तरीके की बातें करने वाले लोग थे जो ये बात कर रहे थे कि सबको शिक्षा मिले जो शिक्षा हो वो बालक के प्रति संवेदी हो आ, आपका बौद्धिक रूप से क्रिटिकल हम शिक्षा दे पाए सामाजिक रूप से वो रिफॉर्म करने वाली शिक्षा दे पाए इस तरीके की बातें उन्होंने की अकॉर्डिंग टू मानस सावित्रीबाई फुले मॉडर्न इंडियन फर्स्ट व्यूमेन टीचर कहलाई जाएंगी वो कि भारतीय आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका She was a radical advocate of education for women and untouchables, a champion of women's rights, a milestone of trailblazing poetry, a courageous mass leader who stood strongly against the forces of caste and patriarchy. मतलब वो एक सच्ची अधिवक्ता थी वो कहती थी कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए जो अछूत है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए महिलाओं के अधिकारों की बात करती थी वो बहुत अच्छी कवित्री भी थी और मास लीडर थी साहसी थी और स्ट्रांगली वो उसके अगेंस्ट खड़ी हुई जहां जाति और जातिवाद और पितृसत्तात्मक समाज के जो गंदे नियम है खराब नियम है उनके खिलाफ वो खड़ी हुई सावित्री बाई हैड हर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और इस तरह से उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व हमारे भारतीय शिक्षा के इतिहास में है और इनकी पोइट्री की बात अगर कहें तो दोज हु हैव नो नॉलेज नो डिजायर टू सीक इट सीक इट एंड डू नॉट अप्लाई देयर माइंड्स डू दे डिजर्व टू बी कॉल्ड ह्यूमन उस वक्त ये ये कविता लिख रही हैं आप इनका जीवन काल देखिए 1831 से 1897 के बीच का है। मतलब 19वीं शताब्दी भी नहीं शुरू हुई है और हम 2000वीं शताब्दी के पहला पूर्ववार्थ हमने क्रॉस कर दिया है और ये लिख रही हैं कि वो जिनके पास ज्ञान नहीं है न उसको चाहने की उनको इच्छा है ना वो अपने दिमाग का कर इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या वो मनुष्य कहलाए जाने के योग्य है poems, मतलब मराठी थी तो मराठी में लिखा है डू डिजर्व टू बी कॉल ह्यूमन क्या वो मनुष्य कहलाए जाने के योग्य हैं

टेनिस टेनिस लीजेंड आंद्रे अगासी आंद्रे अगासी टेनिस लीजेंड वन जो कि है, उन्होंने एक बार कहा कि जब आप दुनिया के शिक्षा के ग्रेटेस्ट चैंपियन की काउंटिंग करेंगे तो आप उसमें सावित्री बाई फुले का नाम जरूर रखें ठीक है तो ये आप बता ये सिद्ध करता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण प्रभुत्वपूर्ण प्रभुत्व भारतीय शिक्षा के इतिहास में है

ये बताया कि आप शिक्षा की महत्ता को समझिए उनको हेल्प कीजिए अपने बच्चों को सावित्री भाई मैसेज बॉस उनका मैसेज उनका था वर्क हार्ड स्टडी वेल एंड गुड मेहनत करो परिश्रम करो अच्छे से पढ़ो और अच्छा करो

कहीं ज्योति राव लिखा है कहीं ज्योतिबा लिखा है सावित्री बाई कंसेंट्रेटेड नीड्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की आवश्यकता पर बल दिया और जो ये उस वक्त गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी थी जिसने प्राइमरी एजुकेशन को निगलेक्ट किया था उसको लोअर स्टेटस बताया था कि प्राइमरी स्कूल टीचर का स्टेटस लोअर है, लोर है और हायर एजुकेशन के कंपेयर स्टेटस के कंपैरिजन में उसको उन्होंने डिसअप्रूव किया असहमति उसके प्रति व्यक्त की और कहा कि नहीं प्राइमरी एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है इंटेलेक्चुअली क्रिटिकल में उन्होंने कहा कि फुले आल्सो सॉट एन एजुकेशन सिस्टम दैट एजुकेट मासेस टू थिंक क्रिटिकली शिक्षा ही वो शक्ति प्रदान कर सकती है जनमानस को कि वो आलोचनात्मक तरीके से सोच सके अपनी इंडिपेंडेंट रीजनिंग डेवलप कर सके देन एक्सेप्टिंग इन अथॉरिटी मतलब कि जो अथॉरिटेटिव है जो सत्ता में है सिर्फ उसकी कही हुई बातों को हमको सिर्फ मानना नहीं है मैकेनिकली कि हाँ बल्कि हमको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है अपनी स्वतंत्र एक तार्किक क्षमता का विकास करना और ये सब कैसे हो सकता है शिक्षा के द्वारा तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो ये सब डेवलप करे

जो ये पुरोहित थे वो कोई भी चीज़ जनमानस को करवा देते थे कि नहीं ये डिवाइन ये ईश्वरीय शक्ति है ये ईश्वरीय इच्छा है आपको ऐसे करना ही है या आप किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते ये जो करते हुए वो मन मतलब एक अन, कुरीतियों में जो समाज को इन्होंने डाल दिया था वो दिक्कत आ गई थी और उसको दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि मनुष्य शिक्षा शक, ऐसी हो जो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बच्चे को डेवलप कर सके

और उसी तरह से सोशली रिफॉर्मिंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकती है उसमें सारे बच्चे और special concern जो कास्ट के द्वारा मतलब जिनके खराब व्यवहार किया जाता है, जिनको पढ़ने लिखने से वंचित किया जाता है उन सब को भी शिक्षा के क्षेत्र में लाने की बात कही शी वॉज हु चैलेंज जेंडर स्टूडियोटाइप आज हम जेंडर स्टूडियो आज भी ग्रसित हैं हमें लगता है लगता नहीं मुझे कि भारतीय समाज कभी जेंडर स्टीरियो से मुक्त हो पाएगा वेल well, आशा की किरण रखते हैं कि शायद कभी हो तो वो ऐसी महिला थी जिन्होंने जेंडर स्टेरियो जो मिथ्स हैं समाज में उसको चैलेंज किया चुनौती दी जो कास्ट हाइडार की उसके विरोध में बात की और एज ए स्टीलर रोल मॉडल टू ऑल हु वांट टू यूज इट इन न्यू सोशल ऑर्डर ये सब लोग क्या थे एक समाज सुधारक थे और वो जानते थे समाज को सुधारने के लिए शिक्षा जरूरी है और इसलिए वो बताते थे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए है ना और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने अपने पत, मतलब इन ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर एक तरीके का ये सोशियो स्पिरिचुअल मूवमेंट था ज्योतिबा फुले वांटेड टू तो स्टैब्लिश सोसाइटी बेस्ड ऑन वैल्यूज लाइक ये लोग चाहते थे ऐसा समाज हो जिसमें समानता आपके न्याय पारदर्शिता और ये सारे एम्स हो मतलब वैल्यूज हो और जो हमारी सोसाइटी हो वो लिबरल बने मॉडर्न बने ना ही केवल बल सोसाइटी बल्कि हर इंसान इंडिया का ऐसा हो जाए देयर एम टू एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ अनटचेबल दलित सोसाइटी फ्रॉम ऑपरेशन इन रिलीजियस और इनका उद्देश्य था कि जो अछूत दलित समाज है उसको ये जो ब्राह्मणों की जो धार्मिक दासता का जो इन्होंने प्रतीक है और जो ऑप्रेस्ड है दबाए जाते हैं शोषित है, वर्ग है उसको ये मुक्त करा सके उसी के लिए सारा स्प्रेड अवेयरनेस अब फैला रहे थे और अगर हम इसको निष्कर्ष रूप में देखना चाहें तो ये एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट राइटर थी सावित्री बाई उन्होंने अपनी आवाज उठाई जिससे कि आज भी इनके आप देखिए कितने साल

और परिश्रमी महिला रोल मॉडल के रूप में याद कर सकते हैं याद की जाती हैं वो याद की जाएंगी शी फॉट अगेंस्ट ऑल दी नॉर्म्स बट अनफॉर्चुनेटली इवन टूडे दी प्रेजेंट सोसाइटी इज अनेबल टू रिजॉल्व दोज इश्यूज जिन नॉर्म्स के खिलाफ उन्होंने इतना संघर्ष किया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 200 साल बाद भी हमारा आधुनिक समाज हमारा सो कॉल्ड मॉडर्न समाज अभी भी उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकने में असमर्थ है अयोग्य है है ना तो चाहिए दो है सोशल रिफॉर्मर वो उन्होंने चीजें हैं। पर आप लिखना चाहें तो और मैटर आपके लिए और लास्ट में हम कह सकते हैं महिला के पास पूरा अधिकार है कि वो बौद्धिक रूप से सक्षम हो और सिर्फ शिक्षा ही ये कर सकती है वो पहली फीमेल टीचर थी और उन्होंने अपने पति के साथ महिला लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खोला था दो साल पहले

So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.